हिंदुओं पर उन्होंने जिस प्रकार की गोली चलाई थी वो बिल्कुल गलत किया था, और इसीलिए उनकी पार्टी दिन ब दिन दर से बदतर होती चली जा रही है। जिस वस्तु में नाम प्रभु श्री राम का नहीं, वो वस्तु मेरे काम का नहीं। सो किसी दिवा बोलो जय श्री राम। राम राज का नजारा अकल्पनीय लग रहा है, अद्भुत अतुल्य, जिसको कोई साध न सके, ऐसा प्रतीत होता है यहाँ पे आने के बाद। ऐसा ही जैसे कि महसूस होता है कि हम भव्य नगरी में पहुंच चुके हैं, और ऐसा कहीं हम देख नहीं पाए अभी तक। जहाँ या काशी की बात करें, काशी की कंपैरिजन में अच्छा ही बन रहा है। अब हो सकता है अभी काशी ज्यादा डेवलप है, अभी इसको डेवलप होने में टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, आने वाले समय में जहाँ तक है ये आगे जो के डेवलप हो जाएगा 2024 के बाद। आप कुछ वर्ष पहले आए होंगे, जिस वस्तु में नाम प्रभु श्री राम का नहीं, वो वस्तु मेरे काम का नहीं। सो किसी दिवा बोलो जय श्री राम। आप कितने वर्षों बाद अयोध्या आए हैं? हम भाई साहब 3,000 से ज्यादा। आप अपने कैमरे के माध्यम से पीछे राम जन्मभूमि का वो पूरा दृश्य हो गया है। अभी सुबह भी आप कुछ साल पहले आए होंगे, अयोध्या का नजारा क्या था और आज क्या है, ये आप स्वयं जान रहे हैं और हिंदुस्तान के दर्शक देख रहे हैं। और जिस प्रकार योगी जी हमारे कार पे लगे हुए हैं, आइए सर आइए आइए। पर उन्होंने जिस प्रकार की गोली चलाई थी वो बिल्कुल गलत किया था, और इसीलिए उनकी पार्टी दिन ब दिन दर से बदतर होती चली जा रही है। ठीक है, वो अपने जीवन काल में कुछ नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, मायावती, ये सब खत्म है। लगातार बाबा की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार सत्ता में आ रही है, कोई नहीं रोक सकता है, चाहे गठबंधन हो जाए। कहाँ से आप आ रहे हैं? हम लोग भी यहीं से अयोध्या से क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। और ये जो दीपोत्सव का कार्यक्रम आपने देखा, ये जो दीप उत्सव का कार्यक्रम हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ योगी राज में ही सफल हो पाया। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा अखिलेश के राज में कैसा शासन था यहाँ पे, और हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए, हमारी हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए ये राम मंदिर एक बहुत बड़ी मिसाल साबित होगी। और ऐसा नहीं सिर्फ हिंदुत्व के लिए ही, ये आर्थिक व्यवस्था में भी और ये हमारे इनकम में भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा लेके जाएगी। जो लोग बोल रहे हैं ना, जो मतलब अगर उसके कास्ट के हैं, बोलते हैं कि मंदिर पे पैसा लगा रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, इसको होना चाहिए, तो भाई मैं उनको बता दूं, सरकार से कोई बजट नहीं लग रहा है। अभी भी हमारे मंदिर के पास 9,500 करोड़ रुपए बचे हुए हैं, जबकि 4,000 करोड़ रुपये लग चुके हैं। कोई भी किसी का पैसा नहीं लग रहा, सब पैसा ट्रस्ट का लग रहा है, हम लोगों ने दिया है। अगर अदर पार्टी को दिक्कत हो रही है कि हाँ स्कूल बनवाएं, ये बनवाएं, तो ये सरासर गलत है। हम लोग अपने खुद से बनवा रहे हैं मंदिर, और मंदिर आय का बहुत बड़ा स्रोत होने वाला है। आप लोग बताना कि नहीं स्कूल बनवाना चाहिए, ये बनवाना चाहिए, तो ये सब आप देख रहे हैं। ये हमारा जो मंदिर इतना बड़ा बन के तैयार हो रहा है, यहाँ पे इतने सारे टूरिस्ट आएंगे, आप लोग देख रहे हैं भीड़ के माध्यम से कितने फॉरेनर आए हैं, कितने लोग आए हैं। तो ये आगे चलकर आपको लगता नहीं कि हम इतना ज़्यादा बड़ा स्रोत, यहाँ पे गुप्तार घाट पे आप देखिए इतनी अच्छी व्यवस्था की गई है, इतना सारा दिखाने के लिए किया गया सबको कि हाँ जितने यात्री हैं उनको आकर्षित करने के लिए इतना अच्छा शो चल रहा है। ये सब मुमकिन हो पाया योगी राज में। बाकी अखिलेश ने तो देखना, आपने धरती उड़वाई, कार से गोली चलवाई, तो वो दिन भूलना नहीं है। और रही बात हिंदुत्व की, तो मंदिर बन जाने से हिंदुत्व खत्म नहीं हुआ है, हिंदुत्व को अभी मजबूत बनाना है। हमारी आने वाली पीढ़ियों को बताना पड़ेगा कि राम कार सेवकों पर कितनी गोलियां चलवाई गई। मंदिर बन गया ना, ये खत्म हो जाएगी सियान, लेकिन हमें बताना पड़ेगा आने वाली पीढ़ियों के हाँ कैसे ये बीता था, किसने मंदिर बनवाया है, क्योंकि पीढ़ियां भूल जाएंगी कैसे हुआ। राम मंदिर तो बन गया ना, अब उन्हें पता नहीं कि हाँ मंदिर टूटा था, रामलला कैसे रहते थे, तो ये बताना पड़ेगा कि हाँ कैसे रामलला किस तरह से किस सरकार ने बनवाया है। और इसको हिंदू अगर भूल जाएंगे अभी लोग, तो हिंदू खतरे में है, हिंदू टारगेट पर है, ये समझ लीजिए आप लोग। आप लोग के यहाँ पे कुछ नहीं, लाठी डंडे से कुछ नहीं होगा आगे, उन लोग के पास हर घर में एक गणासा मिलेगा आपको। तो हिंदू को तलवार उठाने की जरूरत है, और मैं छत्तीसगढ़ से बयान करता हूँ, जय श्री राम। एक बार नारा तेजी से, जय श्री राम, जय भारत माता की, जय भवानी। एक गौरव जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम की जय, वंदे जय श्री राम। हर्ष तिवारी।